हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में अभी मैं आ चुका हूँ कुतुब शाह टोम में। यहाँ पर बहुत सारे टोम है, लेकिन जो मेन जो टोम है वो सात है। सात टोम है जो कुतुब शाह के जितने भी किंग थे उन सब की यहाँ पर टोम है। तो उसको जानेंगे, डिटेल में जानेंगे, एक एक करके जानेंगे। तो शुरुआत से करेंगे जहाँ से पहले कुतुब शाह जो सबसे पहले यहाँ आके रूल किए थे उनके बारे में जानेंगे। मेरे पीछे है सबसे पहला टोम, ये यहाँ का सबसे पहला टोम है। और ये सबसे पहले जो यहाँ के किंग थे उनका है, जिनका नाम था सुल्तान कुली कुतुब शाह, द फाउंडर ऑफ कुतुब डायनेस्टी। यही है सबसे पहले किंग जिन्होंने यहाँ पर हुकूमत की, उनका ये टोम है। और इनकी हुकूमत चली 1518 से 1543, इतने ईयर्स तक उन्होंने यहाँ पर इस जगह पे हुकूमत की। उसके बाद इनकी जो इंतकाल की जो स्टोरी है वो बहुत ही सैड है। इनके ही बेटे जमशेद कुतुब शाह ने ही इनको कत्ल कर दिया। और ऐसा भी लिखा गया कि जब वो नमाज़ पढ़ रहे थे उसी टाइम इनको चाकू मार के कत्ल कर दिया गया था। उनके बेटे ने इनको कत्ल कर दिया, उसके बाद उनके बेटे ने हुकूमत संभाली। तो ये बहुत सैड एंडिंग थी इनकी। और ये इनका टूम है, ये आप अंदर से इनकी एक बार, अभी यहाँ पर सिर्फ कबूतर और चमगादड़ आपको देखने मिलेंगे। यहाँ पर कुछ कुरान की आयत लिखी हुई है, ये एक्चुअली में कुरान की आयत है, ऐतल कुर्सी है ये पूरी लिखी हुई है। और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। ये उनकी कब्र है। और यहाँ पर और भी छोटी छोटी कब्र है जिनके बारे में नहीं पता, किसी को नहीं पता बराबर से, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी इसके बारे में। अभी यहाँ देखो, यहाँ लाइन से बहुत सारी कब्र है, लेकिन किन की है क्या है, बट इतना पता है कि जितनी भी यहाँ पर कब्रें हैं वो सब इन्हीं के ख़ानदान से रिलेटेड है। जैसे इनके जो फिजिशियन थे, डॉक्टर थे, मतलब हकीम थे, जो भी थे, और इनके ही रिलेटेड जितने भी लोग थे उनकी ही यहाँ पर सब कब्रें हैं। लेकिन कहीं मेंशन नहीं है कि कौन सी कब्र किसकी है, बस जो यहाँ के किंग थे जो कुतुब शाह थे उनकी ही कब्रों के बारे में यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। तो ये टोम है जमशेद कुतुब शाह का, जो सेकंड किंग थे यहाँ के, जिन्होंने अपने बाप को ही मारने के बाद तख्ता अपने नाम कर लिया था और यहाँ की गद्दी संभाली थी। लेकिन वो कहते हैं ना, अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। ये सिर्फ 7 साल हुकूमत कर पाए, 1543 से लेके 1550 तक ही इन्होंने हुकूमत की। 7 साल के बाद इनको कैंसर हो गया और जिसमें इनका भी इंतकाल हो गया। तो सिर्फ 7 साल की हुकूमत की है। ये उनका टूम है। और भी साथ में किसी की कब्र है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं। कुतुब डायनेस्टी के सबसे क्रूबल किंग इनको कहा जाता है, जमशेद कुतुब शाह को, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि इन्होंने अपने ही वालिद को गद्दी के लिए मार दिया था। उसके बाद सिर्फ 7 साल हुकूमत कर पाए, उसके बाद इनका इंतकाल हो गया। तो इन्होंने सिर्फ अपने बाप को नहीं मारा, उसके बाद इन्होंने अपने एक बड़े भाई को अंधा कर दिया। और उनके एक भाई थे, उनका नाम था इब्राहिम कुतुब शाह, जो कि इनके बाद तख्ता संभाले, उनको इन्होंने यहाँ से भगा दिया था। वो विजयनगर में बस गए थे। जब उनका इंतकाल की खबर उनको पता चली तो वो वहाँ से लौट आए, और उनके बाद जो इस राज की जो तख्ता है उनको इन्हीं ने ही संभाला था। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टूम पे, जो इनके बेटे जो इनके सक्सेसर थे उनके पास, उनके टूम पे चलते हैं। मेरे पीछे जो टूम है वो है सुभान कुतुब शाह की। अब ये सुभान कुतुब शाह कौन है, ये है जमशेद कुतुब शाह के साहबजादे, छोटे बेटे थे इनके। लेकिन ये यहाँ के किंग नहीं बन पाए। उसका रीज़न ये था कि ये लगभग सिर्फ 7 साल के थे जिस वक्त इनके वालिद का कैंसर की वजह से इंतकाल हो गया था। और उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि उनके जो भाई विजयनगर में भाग गए थे वो आके उन्होंने यहाँ पर कब्ज़ा किया और उनकी हुकूमत थी उसके बाद, जिनका नाम था इब्राहिम कुतुब शाह। तो इनके बेटे के बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ 7 साल के थे और उसके बाद इनका भी इंतकाल हो गया, वो भी बहुत ही मिस्टीरियस
रीज़न की वजह से, कहीं लिखा है कि इनका इंतकाल बीमारी की वजह से हुआ, कहीं लिखा गया कि इनको मार दिया गया है, जिस भी, और उसका रीज़न ये बताएंगे मारने का कि आगे चल के उनकी हुकूमत होती उसके डर से उनको भी मार दिया गया था। इनका जो टूम है उनके जस्ट बगल में अपने दादा के जो फाउंडर है इनके इस कुतुब शाह डायनेस्टी के, उनके ही बगल में इनका टूम बना दिया गया। तो अभी मैं आ गया हूँ फोर्थ किंग के टूम पे, जो है इब्राहिम कुतुब शाह। इब्राहिम कुतुब शाह वही है जिनको उनके भाई जमशेद कुतुब शाह ने तख्ते के लिए भगा दिया था विजयनगर में, उनके बाद, उसके बाद जब जमशेद कुतुब शाह का इंतकाल हो गया, जैसा कि मैंने बताया उनको कैंसर हो गया था, उनके इंतकाल के बाद ये वापस आ गए और इन्होंने ही तख्ता संभाला और इन्होंने लगभग 30 साल तक हुकूमत की। तो इनके, इनका टोम एक बार देख लेते हैं। ये इनका टोम है, साथ में किसी, ये इनकी कब्र है, साथ में किसी की भी और कब्र है। अभी यहाँ पर सब चमगादड़ों ने अपना घर बना लिया है, कोई पूछने वाला नहीं। तो अभी मैं आ गया हूँ फोर्थ किंग और कुतुब डायनेस्टी के सबसे फेमस और सबसे सक्सेसफुल जो किंग रहे हैं मोहम्मद कुतुब शाह की टूम पे। ये वही है जिन्होंने हैदराबाद का नाम दिया, हैदराबाद का जो नाम हैदराबाद है वो इन्होंने ही दिया है। और चार मीनार आप जानते हैं, चार मीनार, मक्का मस्जिद, ये सब के फाउंडर भी यही है। ये सबसे फेमस और सबसे सक्सेसफुल किंग यहाँ के रहे हैं और ये सबसे बड़े किंग थे यहाँ के। और इनका जो टूम है वो सबसे बड़ा, यहाँ पर जितने भी टूम है उसमें सबसे बड़ा टूम जो है वो इनका है। मतलब आप देख सकते हो वहाँ लोग जो खड़े हैं वो पूरा वहाँ से लेके यहाँ तक, ये जितना भी एरिया है वो इनका ही टूम है। अंदर थोड़ा सा आपको मैं चल के दिखाता हूँ इनका टूम एक्चुअली में कैसा है अंदर। तो ये है इनका टूम और इन्होंने लगभग 30-31 साल तक हुकूमत की है। ये ऊपर देखो कितना बड़ा टूम है इनका। और ये इतने काबिल थे कि जब ये सिर्फ 15 साल के थे तब से ही इनको हुकूमत मिल गई थी। 15 साल की एज से ये हुकूमत संभाल रहे थे और सबसे सक्सेसफुल रहे हैं। जितने भी कुतुब शाह डायनेस्टी के जितने भी किंग रहे सब में सक्सेसफुल ये रहे, 15 साल की एज से ये काम कर रहे हैं। आप जो मेरे पीछे टूम देख रहे हैं ये है अब्दुल्ला कुतुब शाह का, जो यहाँ के सेवेंथ किंग थे और ये मोहम्मद कुतुब शाह के बेटे थे। और कहा जाता है कि इनको म्यूज़िक से और पोइट्री से बहुत ज़्यादा लगाव था और ये यहाँ के सेवेंथ किंग थे और ये उनका टूम है। अब ये जो आप टूम देख रहे हो ये है सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह की बहन फ़ातिमा सुल्ताना का टूम। इसके अंदर आप इस, इधर हल्का सा इनका नाम दिख रहा है और ये आपको दिखाता हूँ इनकी, इनकी ग्रेव, इनकी कब्र। ये जो कब्र है ये इनकी कब्र है और इधर कुछ लिखा हुआ तो नहीं है लेकिन यहाँ जो हल्का सा समझ में आ रहा है मुझे उर्दू में, ये अरबी में नाम लिखा हुआ है फ़ातिमा सुल्ताना ऐसा कुछ, तो मेरे हिसाब से यही उनकी कब्र है। यहाँ तीन कब्र और है, ये किसकी है वो मालूम नहीं लेकिन ये कब्र आई एम डेफिनेटली श्योर ये फ़ातिमा सुल्ताना की कब्र है। अब मेरे पीछे जो आप टूम देख रहे हैं जो एक अनफिनिश्ड टूम है, ये अभी नहीं गिरा है, ये ऐसा ही था, इसको बनाया ही नहीं गया, ये हाफ में ही छोड़ दिया गया। उसका रीज़न ये था कि ये टूम जो बना रहे थे वो यहाँ के एथ और लास्ट रूलर थे जिनका नाम था सुल्तान अबुल हसन कुतुब शाह। लेकिन ये बनाने के बीच में ही यहाँ पर मुग़ल ने हमला कर दिया था, औरंगज़ेब आलमगीर जिन्होंने यहाँ हमला किया उन्होंने अबुल हसन कुतुब शाह को कैद कर लिया और उनको महाराष्ट्र के एक गांव में जिसका नाम है दौलताबाद, वहाँ उनकी कब्र बनी गई है, वहाँ उनको दफनाया गया। तो एक सवाल होता है कि फिर इसके अंदर जो कब्र है वो किसकी है।
तो इसके अंदर जो कबर है उनका नाम है मिर्ज़ा निज़ामुद्दीन अहमद। अब ये मिर्ज़ा निज़ामुद्दीन अहमद कौन थे? ये थे हमारे अब्दुल्ला कुतुब शाह के दामाद। को बनाया तो था अबुल हसन कुतुब शाह ने अपने लिए, कि बादशाह अपने मरने से पहले अपने मरने की जगह फ़िक्स कर लेते थे कि मेरा इंतकाल यहाँ होना चाहिए, मुझे यहाँ पर दफनाना चाहिए। लेकिन वो जो कहते हैं ना, जिसकी मौत जहाँ लिखी रहती है वो उसको वहीं पर ही जाना पड़ता है। तो उनका इंतकाल हुआ महाराष्ट्र के गाँव में, और उनकी जगह जो वो टूम बना रहे थे वो उसको अनफिनिश टूम के अंदर दूसरे मिर्ज़ा निज़ामुद्दीन को दफना दिया गया। अब ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये है कुतुब डायनेस्टी का बाथरूम, जिसको हमाम बोलते हैं। ये उनका बाथरूम था जिसके अंदर ऑब्वियसली वो नहाते थे। तो आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ इनका बाथरूम कैसा था, कैसे इनका ड्रेनेज सिस्टम था और कैसे ये पानी आता था, क्योंकि उस टाइम तो पाइपलाइन थी नहीं, कैसे पानी आता था। इसके अंदर थोड़ा सा जो मुझे समझ में आ रहा है वो आपको बताता हूँ। इसमें आपको एक होल दिख रहा होगा, इस होल से पानी आता था। और इसमें सिस्टम ऐसा होता था कि गर्म पानी ठंडा पानी सबके लिए अलग होल होता था, और इसके लिए अलग से लाइन गई हुई थी। जब गर्म पानी चाहिए होता था तो वहाँ आग लगा देते थे, उसकी वजह से पानी जो है गर्म हो के आता था। और ये जो आप देख रहे हैं इधर, ये इसका ड्रेनेज सिस्टम हो रहा था। इसको पैक कर देते थे नहाने के टाइम, इसको पैक कर देते थे, और यहाँ जो मैंने पहले जो होल दिखाया उसको खोल देते थे जहाँ से पानी आता था, और जब पानी भर जाता था इसमें नहा लेते थे। उसके बाद जब नहा के हो जाता था तो इसको बंद कर देते थे इस होल को, और ये होल ड्रेनेज वाला होल खोल देते थे जिससे सारा पानी ड्रेन हो जाता था। तो इस तरीके से नहाते थे। जितना बड़ा इनका बाथरूम है उतना आज के टाइम पे सबका बंगला होता है, उतना बड़ा भी नहीं होता है। अबुल हसन कुतुब शाह को जब मुग़ल ने कैद कर लिया उसके बाद से इनकी डायनेस्टी ख़त्म हो गई, और उसके बाद मुग़ल ने एज अ रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर निज़ाम को भेजा। उसके बाद से निज़ाम की कहानी शुरू होती है कि किस तरीके से निज़ाम ने इसको चलाया। निज़ाम का मतलब ही वही होता है कि निज़ामत करने वाला, देखने वाला, हर चीज़ संभालने वाला। मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कर ली है, कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी है, और एक तालाब है जिसमें से ये लोग पानी यूज़ करते थे, एक गार्डन है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो छूट गई है, और कुछ चीज़ें अंडर कंस्ट्रक्शन थी जिसका वीडियो नहीं बना सका। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद हुआ तो लाइक करो और शेयर करो।